हेलो। हाँ मम्मी, वो मेस वाली आंटी बाथरूम में गिर गई। वो दाल को तड़का कैसे लगाते? जब सिखा रही थी तब तो तुझे यूट्यूब पे गुड़िया नचानी थी, अभी यूट्यूब से ही सीख ले। इधर अनुपमा का ऑपरेशन चल रहा है। उसको क्या हुआ? नहीं, इस बार वो खुद अपने मरे हुए पति का ऑपरेशन करेगी। क्या? फिर ऑपरेशन के बाद वो यूक्रेन पुतिन से समझौता करने भी जाएगी। कल बोलोगी चांद पे एलियन से लड़ने भी जाएगी। वो तो महा एपिसोड में अभी कहा, अगर जरूरत पड़ी तो फोन बिल्कुल मत करना वरना ब्लॉक कर दूंगी। हेलो मम्मी, क्या देख रहा है? ओपनहाइमर। अच्छा, अरे बंद कर वो टीवी सीरियल। दाल को तड़का लगा। करता हूँ। सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी देखते कोकिला बेन को। कुछ लोग हिलाते रह गए देखते हुए बेंटेन की ग्वेन को। पता नहीं वो कौन सी जमात है जो अभी तक टीवी सीरियल से रिलेट कर रही है। भाई सबकी फैमिली ऐसी तो होती है। कैसी? एक अमीर फैमिली जिसमें गरीब माइंडेड लोग रहते हैं, जैसे एक सटकेली माँ, उसका सहमा हुआ पति, एक वैम्पायर बुआ और एक एआई बेटा जो रोज सुबह चिल्लाता है। मम्मी छिछी हो गई, पानी डाल दो। कब तक पानी डालूंगी? काश घर में बहू आ जाए। अपने लाडले बेटे की शादी के लिए माँ एक खूबसूरत सी गवार बहू ढूंढ रही होती है, फिर उन्हें बहू मिल जाती है। देखा भाई कितनी नॉर्मल फैमिली है। हाँ, फिर शादी के बाद पता चलता है कि उनकी इंसान बहू तो नागिन निकली। क्या? उस नागिन का एक भाई होता है जो असलियत में नेवला होता है। हाँ ये थोड़ा ज्यादा हो गया। फिर नागिन का पति अपने पत्नी को बचाने के लिए नेवले के साथ फाइट करता है। फिर वहाँ नेवले का दोस्त इच्छाधारी गांडूल आ जाता है और दोनों मिलकर नागिन के पति को निगल जाते हैं। फिर सालों बाद पता चलता है कि नागिन का पति तो जिंदा है, जो प्लास्टिक सर्जरी करके विंडीजिल बन जाता है। हाय मेरा टॉमी, मैंने जिंदगी में जितनी बार अपना मुंह नहीं धोया है उतनी बार इनके एक बंदे की प्लास्टिक सर्जरी होती है। पसंद नहीं आया रिप्लेस करवा दो। फेस थोड़ी ना यूट्यूब थंबनेल है। एक दिन गलती से मेरे चाचा जो डॉक्टर है उन्होंने ये सीन देख लिया। ये देखने के बाद मेरे चाचा की अंतरात्मा उनके सर पे तवा मार के भाग गई। पापा, पापा। उस दिन उन बच्चियों ने प्रण लिया कि हम पूरे दुनिया को प्लास्टिक बेचेंगे और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक कंपनीज की ओनर है, काइली जेनर और किंडल गार्डन। भाई नागिन छोड़ो, लेकिन साथ निभाना साथिया बहुत रिलेटेबल है। अगर साथ निभाना साथिया रिलेटेबल है तो पुनीत सुपरस्टार मेरा नाजायज कजन सिस्टर है। मैंने जिंदगी में ये शो ना कभी देखा था ना कभी सुना था, लेकिन ये मीम नामक नेवला जो इतिहास के खंडरों में छुपे भयानक हाथ से कुरेद कुरेद के बाहर वापस निकालता रहता है, जो पिछले 6 महीने से मेरे दिमाग का कंट्रोल। भाई लोगों को पता चल जाएगा लड़की का आवाज भी आप ही निकालते हो। तेरे घर में किसी के आंख में मसाला गया तो तू क्या करेगा? भाई फटाक से पानी लेके आऊंगा आंख धोने के लिए। नहीं, हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए, ढोल ताशे नगाड़े बजाने चाहिए। ये देख शिवन, मेरी आंख जल रही है। क्या हुआ गोपी बहू? मजनू, इनके एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस के बीच में मैं पूरा का पूरा डांस परफॉर्मेंस बिठा सकता हूँ। हाँ, उसे कंजंक्टिवाइटिस हुआ है। ये सीरियल के एडिटर से एक इम्पोर्टेंट बात पूछनी है मुझे। क्या? संडास कहाँ है? इधर। उधर कोने में। तो उधर जाके हगो ना, टीवी में क्यों हकते हो? हमारे यहाँ तो सब टीवी में ही हकते हैं। स्टोरी खींचने के लिए इतने रिएक्शन और साउंड इफेक्ट घुसाते हैं ये लोग। तुम मरकर अगले जन्म वापस आके देखोगे तब भी वही कहानी चल रही होगी। मेरे करण अर्जुन आ गए। माँ, सुभद्रा के कातिल का चेहरा दिखा? नहीं, अभी नाभि और आर्मपिट का शॉट चालू है। ओहो, टाइम पे आ गए। एनीमे तो यूं ही मशहूर है, असली मांगा तो एकता कपूर लिखती है, टीवी पे संस्कारी ड्रामा और ओटीटी पे हवस का नंगा नाच बेचती है। कॉन्वर्सेशन के बीच में ही सोचना शुरू कर देते हैं ये लोग और इनको लगता है कोई इनको नोटिस भी नहीं कर रहा। देखो जंगल में कोई भी जानवर आ सकता है, एक साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। डन डन। इस बलविंदर ने तो चप्पल पहनी है, मुझे बस इससे तेज भागना है। क्या साथ रहने के नहीं? अरे ऑफ कोर्स, कभी कभी तो प्राश के जूते में बिच्छू डालने का मन करता है। ए, मुझे इस पे भरोसा नहीं, ये भाग जाएगी। अरे मेरे से ज्यादा भरोसेमंद कोई नहीं इस ग्रुप में। बिल्कुल ठीक, टाइगर आएगा तो मजनू को धक्का दे दूंगी। साली ISI की एजेंट तो नहीं है भोपाली की? CIA। जब सब लोग होते तब ये लोग मन में बात करेंगे और सबके जाने के बाद अकेले में भूतों से बात करेंगे। इन्हें क्या लगा, ये जानते नहीं है कोमोलिका को? सबको मौत के घाट उतार के बच निकलूंगी मैं इस जंगल से। अरे भोपाली की मूत ने तो दे, बाद में प्लान बना लेना हमें मारने का। पहले टीवी पे सब टाइप के शो आते थे, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, लोड़ों के लिए। फिर साल 1900-2000 में आई एक लेजेंडरी टीवी सीरियल रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए साँचे
सीरियल के बाद आज 20 साल हो गए। टीवी पे ही नहीं सास बहू सीरियल का कब्जा है। नहीं, सास बहू छोड़ के बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए क्यों नहीं बनाते? क्योंकि ससुर भी कभी दामाद था, डांस बार गेंदा फुल, ससुराल बिल्ली का, साथ निभाना झाटिया, तारक मेहता का लंगड़ा बाम्बू। सारे लोगों को कैटर करो यार, जैसे हम करते, लेकिन तुम में से आधे लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार। जल्लाद है भाई, जल्लाद है। चलो मान लेते, अगर कुछ भोली लड़कियां लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट की तरफ मुड़ सकती है तो कुछ लड़कियां लैपटॉप भी धो सकती है, इट्स अंडरस्टैंडेबल। लेकिन अभी मैं कुछ सीन दिखाता हूँ तेरे को। पहले ये बताओ कि ये क्या है, सुसाइड है, एक्सीडेंट है, मर्डर है, क्या है यार? चाटा मारने पे इतनी ओवर एक्टिंग मेरी बहन भी नहीं करती। नहीं कहा, कैसे कैसे सर पे उसके लगा, लेकिन दिमाग मेरा घूम गया है। नहीं, इन चैनल वालों को लगता क्या है, हमारी घर की औरतें दिमाग से बर्तन मांझती है? कोई कभी मरता ही नहीं है किसी सीरियल में। मौत तो वो मक्खी है जो इनकी घर की बहू बजा कर मार देती है। सॉरी, लेकिन हम आपके पति को बचा नहीं पाए। ये डिसाइड करने वाले आप होते कौन हो? मैं डॉक्टर, डिग्री भी है। उसकी बत्ती बना के घुसा ले, मैं बचाऊंगी अपने सुहाग को। आप डॉक्टर है? क्यों, एक औरत डॉक्टर नहीं हो सकती? हो सकती है। हाँ, तो मैं एक औरत हूँ। लेकिन क्या आप डॉक्टर है? क्या आपको मैं औरत नहीं लगती? हाँ लगती हो। तो क्या आपको एक औरत डॉक्टर नहीं लगती? लगती है। हाँ तो मैं एक औरत हूँ, हट बाजू। हाँ, तेरी गोटी गई। ए यमराज, मेरे को उठा ले, उठा ले मेरे को, इसके साथ नहीं रहना मेरे को। सुनिए मैडम, यम है हम। कैसी औरत है, लगता है पिशाचनी है। मुझे तो बोली डॉक्टर है। स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है। चलो, दुनिया के 90% मर्दों की सहमति से ये मान लेते हैं कि एक औरत नागिन हो सकती है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि हमने कभी नागिन नहीं देखी। कौन सी नागिन इतनी स्टाइलिश होती है बे? नहीं, जंगल में फैशन शो चल रहे। देखना मेरी कैटवॉक देख के गेंडे का दूसरा सिंग निकल आएगा। एफटीवी, एक बात समझ में नहीं आती। क्या? ये नागिन लोग हमेशा अमीर घरों में क्यों घुसते हैं शादी करने? यार, गरीबों की भी इच्छा होगी। हमारे वन रूम किचन में एक नागिन बहू आए जिसको हम दूध पिलाए और वो हमारे नाश्ते में स्वादानुसार जहर मिलाए। हाय, हमारे यहाँ इंटरकास्ट सुन के खाई में ढकेल देते। अमीरों को सब चलता है, नागिन, बिच्छू, गेंडा, उनका इंटरस्पीसीज मामला है। पॉइंट है। वैसे एक नागिन आई थी मेरे पास लड़की के भैंस में। हाय, मैं इच्छाधारी नागिन। मैं शिक्षाधारी नागू। क्या पीएचडी? नहीं। बीडीएसएम? नहीं, मेरी आइटम। चलो शिक्षा। कम ऑन डैडी, इल्ली मर ली अप्पा जी। हाय, मैं रिक्शाधारी परशु। छोड़ दू, और बहु नागिन है ये पता होते हुए भी फुल चिल मोड में रहेंगे। अच्छा, बहु नागिन है? शाह, शर्मा जी के लौंडे को देख, क्रोकोडाइल बहु लाया है घर में। जरा सोच, मैं अगर अपने पापा को उनकी नागिन बहु से मिलवाने जाऊँ तो, सरकार जी ये देखो आपकी बहु। अरे वाह, कितनी सुंदर है, ये इसका असली रूप नहीं है? ऐसा नहीं कहते, सब मेकअप लगाते। मेकअप नहीं, नागिन है सरकार जी, ये देखो। आगो बाबू, ये क्या बला है? बला नहीं, इच्छाधारी, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं करूंगी। कहाँ से आई हो? वो आपके घर के पीछे जो बिल है ना, वहीं से। देखा पापा, इसने सालों हमारे घर की रक्षा की है। वहाँ तो मेरे पिताजी सांप काटने से मरे थे। अच्छा, वो आपके पापा थे? मुझे लगा घर में गोरिल्ला घुस रहे। बहुत दिनों से ढूंढ रहा था तुझे। ये मेरा माल है सरकार जी। अरे साफ है, वो सुहाग रात को गड्ढा तेरा खुदेगा। नहीं नहीं नहीं, सच में? बस हो गया, मेरे को और इमेजिन ही नहीं करना। जैसे गांजा चरस RDX मिलने के बाद पुलिस पिछवाड़ा सुझा देती है, तो ये मासूम लोगों के मस्तिष्क का विस्फोट करने वाली सीरियल्स कैसे लीगल है अभी तक, वो भी 6-6 सीजन तक? मुन्ना भाई की स्कूटर पे बैठकर नागिन चांद पे जाएगी तो कैसे नहीं होंगे मेंटल इशू? अरे नागिन, तेरी माँ का कोबरा खोदू। भाई का दिमाग घूम गया, इंग्लैंड को शमशान बनाएगा आज अपुन। भाई साहब क्या हुआ? भाई आप कंट्रोल मत करना, आज सबकी कब्र खुदेगी। एक थप्पड़ का टाइम कितना होता है? क्या पता, एक सेकंड से भी कम। लेकिन टीवी सीरियल में एक थप्पड़ का टाइम होता है पूरा एक एपिसोड। फुल इंटरस्टेलर मामला चालू है इनका। पृथ्वी का एक सेकंड इनका आधा घंटा होता है। वो कैसे? पहले तो थप्पड़ गिरेगा, फिर 4 बार अलग अलग एंगल से वही थप्पड़ दिखाएंगे, फिर माँ का रिएक्शन, पति का रिएक्शन, बुआ का रिएक्शन, पड़ोसी का रिएक्शन, मोदी का रिएक्शन, पुतिन का रिएक्शन, एलियन का रिएक्शन, सबके रिएक्शन के बाद वापस वही थप्पड़ स्लो मोशन में दिखाएंगे। नहीं, नोलन की जगह एकता कपूर अगर ओपनहाइमर बनाती तो सिर्फ एटम बॉम्ब का बटन दबाने के लिए 10 सीजन लेती है। सोच, एकता कपूर बारबी बनाती तो। भारती, भारती गवार औरत, ग्रीन टी कहाँ है मेरी? हाय भाभी, हाय भाभी, हाय भाभी, हाय भाभी, हाय भाभी। तुम रोज रात को मेकअप लगा के क्यों सोती हो? माँ जी ने कहा है
कि मैं आपके सपने में भी हॉट दिखूं। अरे ये स्कूटी क्यों नहीं चालू हो रही? पर मैंने तो सुबह ही पेट्रोल डाला था। इलेक्ट्रिक स्कूटर में पेट्रोल तेरे बाप ने डाला था, गवार औरत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ठोको, नए हो तो सब्सक्राइब ठोको, और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो छुप छुप के टीवी सीरियल देखते। बाकी मैं आपको मिलूंगा किसी नई वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।